व्हाट्स गुड पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सेकंड माइक हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ। मैं बीमार इसलिए हुआ हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा CAA पी लिया था मैंने। मेन चीज तो मुझे ये बताना था कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी कंसिस्टेंसी को लेके, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ये चीज अभी कुछ टाइम पहले, तब मुझे ऐसा था कि सिर्फ बोलना नहीं, इस बार कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखना है। मुझे बस ऐसा था कि मैं मेरा सिर्फ 100% दूँ, और मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं वो दे पा रहा हूँ, कि मैं कर पा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी और जो मैं करना चाहता था। ये एक लास्ट व्लॉग होगा जो संडे आएगा, उसके बाद वाले जो भी व्लॉग्स हैं, वीक में 2 व्लॉग्स आने वाले। तो बस आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो किया था, अभी मैं आया हूँ शोल्डर वर्कआउट करने। और एक बहुत ज़्यादा Q&A में क्वेश्चंस आए थे कि आप अपने ट्रैप्स को कैसे ट्रेन करते हो, तो मैंने सोचा कि आज मैं शोल्डर हिट करने वाला हूँ तो मैं ट्रैप्स को कैसे ट्रेन करता हूँ वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो मैं अभी मेरा शोल्डर वर्कआउट करने वाला हूँ, वहाँ से कंप्लीट करते करते जहाँ पे मेरे ट्रैप्स के वर्कआउट आ जाएंगे वो टाइम पे मैं बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में उसको कैसे ट्रेन करता हूँ। और बस स्टार्ट कर देते हैं, सीधा फर्स्ट वर्किंग सेट पे मिलते हैं, लेट्स गो। मेन चीज जिसने मेरे ट्रैप्स को ग्रो करने में हेल्प की है वो है चीट ट्रैप्स। लोग बोलेंगे कि यार चीट ट्रैप्स का तो क्या ही फायदा, बट एक्चुअल में कुछ मसल को ग्रो करने के लिए चीट ट्रैप्स का करना बहुत जरूरी है। उसमें से ये ट्रैप्स आ जाते हैं, इवन काब्स आ जाते हैं और फोरआर्म भी आ जाते हैं और बहुत सारे मसल्स भी आ जाते हैं। बट ये जो 3 मसल्स मैंने बताए उसमें माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ, मेरा जब भी फर्स्ट सेट रहता है वो एकदम ही कंट्रोल रहता है, जितना हो सके उतना मैं उसको कंट्रोल रखता हूँ, पॉज रखता हूँ और उसके बाद सारे रेपिटेशन वैसे ही रहते हैं मेरे। बट सेम जब मेरा लास्ट सेट आता है तब मेरे स्टार्टिंग के रेप्स बहुत कंट्रोल रहते हैं और उसके बाद मेरे चीट रेप्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। चीट रैप्स और पार्शल रैप में बहुत डिफरेंस है, और वो चीट रैप्स कब करता हूँ जब लोड बहुत ज़्यादा हो। जैसे अभी मैं बताऊँ, मैं जब भी मशीन पे श्रग्स मारता था तब 190 केजी पे मारता था, और 190 केजी पे मैं ड्रॉप सेट लेता था और मुझे चीट रैप्स ने बहुत बेनिफिट दिया है, जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को थोड़ा मानता हूँ कि चीट रैप के वजह से मेरे ट्रैप्स में तो बहुत डिफरेंस आया है। क्योंकि जब भी मैं श्रग्स मारता हूँ उसके 2 दिन तक मुझे पूरे ट्रैप्स पेन होता है, मतलब ट्रैप जो मसल है वो पेन होना एक अलग ही फील देता है। जैसे चेस्ट में कैसा पेन होता है तो वो अलग अच्छा फील होता है, तो ट्रैप्स पेन होना बहुत अलग ही मजा आता है। और मुझे ट्रैप्स में पेन होने लगा था वो चीट रैप के वजह से, क्योंकि वो इतना ज्यादा लोड रहता है और मेक श्योर करना है कि फोरआर्म पे नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग लोड लगा देंगे बट वो चीज को पुल करने के लिए तुम जितना टाइट करोगे उतना फोरआर्म पे पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे पेन आने लगेगा। तो वो चीज नहीं करना है, हो सके उतना लोड लेना
बट वो सारी चीजों का लोड यहाँ पे आना चाहिए। तो ये चीज था जिसकी वजह से मेरे ट्रिप्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। और एक चीज की ब्लॉग स्टार्ट करते पहले मैंने बोला था कि अच्छा फील हो रहा है, अच्छे से कंसिस्टेंसी बनी रही है, ब्लॉग अच्छे से शूट हो रहा है, और उसी चीज के वजह से पता नहीं नजर लग गई आज का ब्लॉग शूट करते करते इतना प्रॉब्लम हुआ है। ये चीज इतना शूट करने में 3 घंटे चले गए मेरे, सिर्फ एक चीज का छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे 6-6, 7-7 टेक लगे, जगह चेंज किए बार बार, लोग आ जा रहे, लाइट जा रही है, तो बहुत दिक्कत हो गई आज के ब्लॉग में। आई होप मैं जो चीज समझाना चाहता था वो चीज आप लोग को क्लियर हो गया। अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, अगर मेरी कोई बातों में या फिर डिस्टर्बेंस में कुछ समझ ना आया हो, तो ट्रैप्स को ग्रो करने के लिए मैंने चीट ट्रैप का इस्तेमाल किया है। चीट ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो बोलने में चीट ट्रैप्स है बट वो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। बट एक लेवल पे पहुंचने के बाद तुम स्टार्टिंग से चीट ट्रैप्स करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा लोड चीट ट्रैप के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो मसल थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग से तुमने जिम चालू किया 1 महीना और चीट ट्रैप मारोगे तो कोई मतलब नहीं है। सेकेंड चीज, आगे के जितने भी सेट है वो कंट्रोल्ड स्लो होने चाहिए। चीट ट्रैप सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट सेट में होना चाहिए और वो भी ड्रॉप होगा तब तुम चीट ट्रैप मारना। स्टार्टिंग से चीट मारने का कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर उस वेट को होल्ड करके मारो, उसके बाद फिर चीट ट्रैप मारो, निकालो चीट ट्रैप, निकालो चीट ट्रैप, निकालो चीट ट्रैप, ये चीज लंबी रहेगी। तब जाके तुम्हारे ऐसे फील होंगे पत्थर जैसे, जब भी तुम फ्लेक्स करोगे ऐसे पत्थर हो जाएंगे और 2 दिन तक पेन होंगे। हर एक की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, मुझे उस चीट ट्रैप ने बेनिफिट दिया है, तुम्हें शायद ना भी दे और कुछ लोगों को इंजरी भी आ जाए। तो जो भी कर रहे हो संभाल के करो, मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली उस चीज को मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, और तुम लोग उसको परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें भी तुम्हारी सेफ्टी पहले देखनी है, उसके बाद उस चीज को करना है। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक बस जैसे ही कॉमेंट कर रहे थे वो कॉमेंट कर दो, लाइक कर दो, और बस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।